नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जस्ट जॉब इट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मेरा आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो उस गर्मी से सभी लोग परेशान हैं, चाहे वो परिंदे हों, जानवर हों या इंसान हों। तो हम परिंदों के लिए एक व्यवस्था कर सकते हैं अपने घरों में या अपने छत पे, जहाँ भी परिंदे आ सकते हों वहाँ पे पानी भर के रख सकते हैं, उनके लिए कुछ खाने के लिए रख सकते हैं। पानी भरने के लिए हम उन्हें मिट्टी के बर्तन में पानी रख सकते हैं, या घर के किसी कटोरे में, प्लास्टिक के कटोरे में या स्टील के कटोरे में पानी भर के रख सकते हैं, जिससे उनको थोड़ी राहत मिलेगी इस गर्मी के एटमोसफेयर में। बस मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि अगर आप ये सभी लोग जो वीडियो ये देख रहे हैं, अगर अपने घर की छत पे पानी भर के रखेंगे या खाना भर के रखेंगे उनके लिए, परिंदों के लिए, तो बहुत ही मेहरबानी होगी। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि जब इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो अपने डॉग को हम खाने में क्या दें। डॉग जो है खाना खाना बंद कर देता है या भूख नहीं लगती, उसे सुस्त हो जाता है या इचिंग होने लगती है उसके, कहीं कहीं देखते हैं आप रैशेस टाइप के होने लगते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस गर्मी से बचाने के लिए डॉग्स के लिए जो रामबाण इलाज है। जी हाँ, अगर आप भी ये खिलाते हैं तो आपके डॉग को भी ये समस्याएं होने से बच जाएगा। और इनफैक्ट ये है कि इसका इस चीज़ को खिलाएंगे तो इतना फ़ायदा होगा कि आपके डॉग को स्टमक इन्फेक्शन से भी बचाएगी। तो कुछ और चीज़ नहीं खिलानी है आपको, सिर्फ दही खिलानी है 250 ग्राम से आधा लीटर के बीच में, जिस हिसाब से आपके डॉग की हेल्थ है। जैसे मेरा डॉग टाइसन आपने देखा ही है, तो मैं इसको दिन भर में आधा लीटर दही देता हूँ जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो गर्मी गर्मी मैं इसको आधा लीटर दही देता हूँ। आप दही इसको किसी भी चीज़ डायरेक्ट भी दे सकते हैं, या पेडिग्री में भी डाल के दे सकते हैं, रोटी में भी डाल के दे सकते हैं, राइस के साथ भी दे सकते हैं। जी हाँ, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वीडियो के, देखिए मेरा डॉग कितना चाह के दही को खाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मेरी मॉम है जो कि टाइसन को दही खिला रही हैं। मॉम ने टाइसन की आदत इतनी ख़राब कर दी है कि ये मॉम के हाथ से ही दही खाता है, या कोई भी चीज़ खिलाएंगे तो इसको मॉम के हाथ से ही खाना है। आप भी अपने डॉग को दही ज़रूर खिलाइए, दही से जो होती है डॉग की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो अगर आपको भी अपने डॉग की इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो आप भी टाइसन, जैसे मैं अपने टाइसन को दही खिलाता हूँ, तो आप भी अपने डॉग को एक टाइम दही ज़रूर दें। और इम्यूनिटी के साथ साथ दही जो है दिल के लिए भी सेहतमंद होती है। आप चाहें तो नेट पे जाके सर्च भी कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ या नहीं। देखिए, मैंने नेट का ही एक स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए लगाया हुआ है, वहाँ पे दही के फ़ायदे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम टाइसन को दही खाने देते हैं, और मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने अपने घर की छतों पे पानी की व्यवस्था करी परिंदों के लिए या नहीं करी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।